नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसी गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो। मेरी भी नजर से ये गेम हट गया था, बच गया था। और एक्चुअली जब नजर मेरी पड़ी भी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसके डेवलपर्स कौन है। इसको बनाया है क्रिकेट 24 के डेवलपर्स ने। वो भी कब बनाया है? जब डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 14 इनका लॉन्च हो गया था। उसके बाद 2015 में लॉन्च हुआ ये 14 और 17 के बीच में। तो भाई कैसे बच गया, मैं सरप्राइज हूँ। यहाँ तक कि मैंने इसका नाम भी ज्यादा इंटरनेट पे नहीं देखा है। मुझे ये भी नहीं मालूम इसका गेम प्ले किसी और ने डाला भी है कि नहीं अच्छी तरह से। बट आज आपके सामने हम इसको फर्स्ट टाइम प्ले करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी प्ले का बटन रेडी है। तो चलो प्ले करते हैं। तो फाइनली आ गई हमारी गेम की स्क्रीन। मुझे मालूम है कि गेम का साउंड बहुत तेज है, तो पहले मैं इसको हटाता हूँ। तो आ गई हमारी गेम की स्क्रीन। ऑप्शंस की बात करता हूँ। गेम प्ले में तो वर्ल्ड टूर है, जिसका मतलब ये है कि भाई आप एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ। मैं अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। न्यू गेम करने पे आपको अपना सबसे पहले तो कंट्री सिलेक्ट करना है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके अंदर टोटल 15 टीम्स हैं, और 15 नहीं एक्चुअली 16 टीम्स हैं। और फिर हाँ, रैंडम का ऑप्शन आ रहा है। तो टोटल 16 इंटरनेशनल टीम्स के साथ आप खेल सकते हो, जिसमें से हाँ ठीक है, वेस्ट इंडीज का फ्लैग सबसे अलग लग रहा है। पहले मुझे लगा ये कौन सा फ्लैग है। तो आप जो भी टीम चुनोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया चुनता हूँ, तो उसको टूर करने का मौका मिलता है पूरी दुनिया में। यूएसए आ गया, कनाडा आ गया, स्कॉटलैंड आ गया, और काफी यूनिक जगह यहाँ पर है टूर में। दूसरा गेम आ रहा है वर्सेस का, इसमें 1-on-1 का मैच है जो कि अभी हम खेलने वाले हैं यहाँ पर। उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कोई और गेम मोड है, क्योंकि ऑनलाइन है। मुझे बहुत डाउट है कि आपको एक भी बंदा इसमें ऑनलाइन में मिलेगा। एक दिक्कत है, ग्राफिक्स के ऑप्शन नहीं है, तो आप जो ग्राफिक्स इस गेम का डिफॉल्ट ग्राफिक्स है उसी के साथ खेल सकते हो। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। हम आ जाए वर्सेस मोड में। हम बनेंगे इंडिया सामने। मैं देखो भाई, मैं कोई भी टीम चुन सकता हूँ, बट मैं जा रहा हूँ रैंडम के साथ। ऊपर वाला हमारे सामने किसको लाता है वो देखते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट्स आ जा रहे हैं। एक सेकंड, मैच ऑप्शंस में जाने पे लंदन का मैदान है, मेलबर्न का मैदान है, और दिल्ली का मैदान है। एक चीज नोटिस करना, बिग एंड स्टूडियोज में दिल्ली का मैदान हर गेम में रहता है। ओरिजिनल भले ना हो, बट एटलीस्ट दिल्ली तो रहता है, तो सही है भाई। लंदन मेलबर्न मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया का मैदान आ रहा है। बाकी लॉक्ड है तो मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं। बैकग्राउंड की बात आ रही है तो किचन है, लॉन्ज है, और मैन के हुए पीछे देखो आप, मतलब मेरे नहीं, स्क्रीन के पीछे देखो, मेन्यू के पीछे स्क्रीन बदल रही है। और इस गेम का नाम है टेबल टॉप, मतलब कि आप किसी एक जगह पे बैठ के खेल रहे हो। तो मैं बीबीक्यू रख रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा बाहर है। अब ऑप्शन भी आ रहे हैं, कुछ और भी ऑप्शन है। इंडोर मैच, ओडीआई मैच, T20 मैच, T10 मैच, और फास्ट फाइव। ठीक है, हम फास्ट फाइव के साथ जा रहे हैं यहाँ पे। और लेट्स प्ले। क्या है ये गेम, कैसा लगता है, कैसी फील दे रहा है, वर्थ इट है कि नहीं, और प्राइस कितना है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। आप गेम शुरू करने से पहले एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, आप कीबोर्ड पे भी खेल सकते हो, बट मैं अभी कंट्रोलर पे ज्यादा भरोसा रख रहा हूँ, तो मैं अभी कंट्रोलर के साथ जा रहा हूँ। समी मोहत्रा आए हैं भाई। टीम आप डाउनलोड नहीं कर सकते, भले ही ये डॉन ब्रैडमैन के बाद आई ये गेम, बट डॉन ब्रैडमैन में आप ओरिजिनल टीम डाउनलोड कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारी बैटिंग का कंट्रोल मैंने देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप इस एक जॉयस्टिक से खेल सकते हो, आपको और कुछ भी नहीं लगाना है। कोई और शॉट बैटिंग में नहीं है, बॉलिंग भी पूरी की पूरी आने वाली है। अभी देखो कैसे आती है, अभी तो मैं बैटिंग का मजे कर रहा हूँ। बैकफुट फ्रंट फुट है, ठीक है, ओ तीन रन है। अच्छा, ग्राउंड के अंदर 1-2-3 लिखा है। अगर आपकी बॉल उस लाइन तक रुक जाती है, 1 में रुक जाती है 30 यार्ड में, तो 1 रन है। उसके बाद 2 और फिर बाउंड्री के क्लोज जाती है तो 3 रन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये 4 होगा। ठीक है, 11 रन हो गए 3 गेंदों में। बहुत बढ़िया शुरुआत, जहीर अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं। किस्मत देख रहे हो, बांग्लादेश आई है हमारे पोजिशन में। जिनको पता नहीं है बता दूं टेबल टॉप का मतलब क्या होता है। टेबल टॉप में अगर आप फील्डर की तरफ खेलते हो, गेंद भले 10 टप्पी में जा रही है, 4 होगी और नहीं आउट होगी, सॉरी आउट होगी। अब यहाँ पे क्या डिसीजन आ रहा है, ठीक है, आई थिंक वो टकरा के दूर चली गई ना, रुकी नहीं, इसलिए शायद उन्होंने दिया नहीं आउट, बल्कि इस बार स्ट्रेट ड्राइव 4 रन्स। और आजू बाजू का बैकग्राउंड देखो आप, डाइस रखी गई है, प्रयोन्स रखे गए हैं, जैक पैक जॉय राइड का यहाँ पर पीछे लोगो आ रहा है, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा है। ठीक, एक बैकफुट शॉट लगाते हैं, 6 का भी इंतजार रहेगा मेरे को। ग्राउंड शॉट, 4 रन्स, चलेगा भाई चलेगा, बैटरी भी रखी हुई है तो काफी कलरफुल है, बट हाँ थोड़े से डार्क कलर्स हैं यहाँ पे। वो आई थिंक ये परफेक्ट था। तो भाई फास्ट फाइव में तो हमने वॉट लगा दी बांग्लादेश की, पहले मैच में
शतक लगने वाला है भाई, 4-3, 3-3 ही, 33 रन्स विदाउट ए लूज, एक भी विकेट खो गया। इमरान रहमान ये है क्या, राइट हैंड है वो तो पता है, ठीक है, मुजीबुर रहमान से नहीं, मुस्तफिजुर रहमान से इंस्पायर है क्या? यही इस गेम का लॉजिक है, अगर आपकी गेम 10 तक टू भी प्लेयर के पास जाकर रुक जाती है उसके सर्कल में तो आप आउट हो। आदित्य रंगराजन, अब मैं चाहता था एक फुट्टी देखना, वो मेरा इच्छा पूरी नहीं हुई, एक लॉफ्टेड सिक्स मारते यार मजा आ जाएगा, और कितना जल्दी खेलेगा। नहीं यार सबमिट तो ऐसे ही किया जैसे भाई साहब ने विकेट ले लिया, हेलीकॉप्टर के लिए परफेक्ट है ये। मुझे नहीं मानते टेबल टॉप में भी RBW होता है, अरे भाई टेबल टॉप में क्या RBW होगा। गैप 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 गैप, तीन बने आ गए, और ये अगर स्कोर का दिखा दो प्लेयर्स के कितने क्या किसने किया है, क्योंकि मैं लॉफ्टेड सिक्स यार मैं तो 50 देखना, ठीक है 16 रन किया हमारा हाईएस्ट अभी जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उसमें से। एक बाउंसर लेकिन फील्डर रखा गया है और बढ़िया मिड विकेट, ये सही है, अभी हुक मारूंगा तो स्क्वायर लेगा फील्डर, फाइनल का फील्डर तो गड़बड़ हो जाएंगे। आकाश यादव आए यहाँ पर, ठीक है एक सेकेंड, हाँ लेट्स गो मेरे पास, ठीक है मैं स्टांस ओपन कर रहा हूँ, स्टंप्स एक्चुअली ओपन कर दी, एक सिक्स बनता है यार। अगर मल्होत्रा भी आउट हुआ तो मेरे से मिस्टेक हो गई, क्योंकि 40 रन पे खेल रहे थे, 50 का चांस मैंने गंवा दिया। उज्ज्वल कुशारी आए हैं, ठीक है बाकी कुछ चीजें और बदली नहीं है। हाँ मैं एक और चीज दिखाता हूँ, मल्होत्रा खेल रहा है, गुड चांस, और अच्छा वो सर्कल में नहीं रुकी, थोड़े से निराश लग रहे हैं बल्लेबाज, बट ठीक है यार निराशा को आप रखो। अभी दूसरी ओर बढ़िया फोर, खेलने का मौका दिया ना फील्डर को, कैमरा एंगल से डाल सकते हैं, मैं वो दिखाता हूँ, दो ही कैमरा एंगल है, बिहाइंड द बॉलर बिहाइंड द बैट्समैन, इस बॉल के बाद आपको नया कैमरा एंगल दिखेगा, इस बीच बाउंड्री एक और लगती हुई, आ गया भाई मुझे एक बार बता दो, हाँ वाइड बॉल फोर, तीन रन वाइड और 53, ठीक है फील्डिंग नहीं दिख रही भाई इसमें मेरे को बिल्कुल भी, बैक फुट मुझे देखना पड़ेगा, इसको कैच आउट किया था इस गेम में, आकाश आलम ने विकेट निकाल दिया यहाँ पे। राहुल पाटिल आए हैं, मेरे को एक और बार बताता हूँ, प्लेयर बदलने के भी ऑप्शन नहीं दिखाई दिए, ये फास्ट गेंदबाज है, ठीक है कैमरा एंगल मैंने बदला है लेकिन मेरे लिए पनौती साबित हो यार, एक सिक्स ओ क्यों गैप है, प्लेयर स्टैचू बने हुए हैं और हम लोगों ने गैप निकाल दिया, एक सिक्स बाहर की तरफ पैड में रखे गए हैं वो, हमने आउटसाइड का एनवायरनमेंट चुना हुआ है तो अभी हम लोग बाहर खेल रहे हैं गार्डन में, किसी के किचन चुनते तो किचन का बैकग्राउंड होता, बैकड्रॉप होता, मुझे टाइमिंग देखना होगा, ठीक है बाउंड्री लगातार चालू है भाई, मल्होत्रा अभी भी टिके हुए हैं 34 पे, करा दो यार कुट्टी करा दो इनको, 38 कम ऑन मल्होत्रा, गजब ना लगे इतना ज्यादा चीयर अप पहले मैच में, भाई मेरे को 15 सेलिब्रेशन देखना है इस गेम में, क्योंकि ग्राफिक्स एकदम अलग है, गेम प्ले स्टाइल एकदम अलग है, लॉजिक भी गेम का अलग ही है, यहाँ पे टप्पी कैच हो रहा है भाई, 10 टप्पी में भी कैच आउट हो अगर आप, मल्होत्रा जी सेलिब्रेट भी दादा कैसे करते हो गेम में, और मेरा अचीवमेंट भी अनलॉक हुआ है, कैमरा एंगल भी यहाँ पे काफी यूनिक आते हुए, और सिक्स सारे बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं किया इसने, अबे भाई ये उम्मीद नहीं थी मेरे को सब टूटे सामने के, कितना गुस्से में ये क्या फील्डिंग कंट्रोल नहीं दिखाए, बॉलिंग कंट्रोल तो बताया इन्होंने, वो भी बहुत अजीब तरीके से काम करता है, तो इसके अंदर आपको पहले तो मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है मैंने ये किया, राइट जॉयस्टिक से आप बॉल की पिच डिसाइड करते हो, फिर ए दबा के लॉक करते हो, ठीक है अरे राइट जॉयस्टिक से है भाई, मैंने बोला ना कैच का मौका है, ठीक है नहीं तो सही है प्लेयर, अरे अच्छा ये दिक्कत है, ठीक है तो ये हमने पिच सेट की, अरे हो जा पिच, अच्छा इसके बाहर नहीं जाती, ठीक है हमने लॉक किया और फिर राइट जॉयस्टिक से ही हमने गेंदबाजी कर दिया, कैच किसके पास मौका है भाई, इजी है इजी है भाई इजी है इजी, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मेरे को फील्डिंग का आइडिया नहीं था,
जो फील्डिंग का आइडिया हो चुका है कि कैसे जॉयस्टिक कंट्रोल है। बहुत सारी बातों में कि भाई इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं, यही इस गेम का सबसे इजी लेवल है, यही इस गेम का सबसे हार्डेस्ट लेवल है। अब आप अपने हिसाब से भाई जो आपको लग रहा है आप समझ सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट लेवल, दिस इज द हार्डेस्ट लेवल। अब हमको करना है कि कैसे करनी है गेंदबाजी। ठीक है भाई, कर दे बॉलिंग। ये बहुत नाटक है यार इसका। ये भाई साहब को अनऑर्थोडॉक्स खेलना है, विलियम्स बनना है, सूर्य यादव बनना है। चलो आगे डालो गेंद, आगे इतना मौका नहीं रहता सूर्या बनने का आपके पास। यॉर्कर है, बोल्ड एक मिल जाए मुझे देखने को। अरे भाई टारगेट चेज कर रही है टीम, मानना पड़ेगा। बांग्लादेश का गजब का कमबैक होता हुआ, मुझे 18-95, अरे ज्यादा ही हो गया 90 रन्स। अगर कोई टीम पहली ओवर में कर रही है, एक मिनट तू रहे, तू रेडी 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 दो विकेट, लेकिन रन थोड़े ज्यादा दे दिए। मैं कहा से 8-7 रन कम होगी तो ठीक था, ये रन ज्यादा होगा। मैं चाहता हूँ एक स्पिनर आए क्योंकि लाना तो है ही, सबको एक एक ओवर मिल ही रहे हैं तो ज्यादा चेंज करने को रहता नहीं है। उज्ज्वल कुशार ही आए हैं। आप फील्डिंग सेटअप चेंज कर सकते हो जो कि कुछ इस तरह का है, सेम जैसा उस समय होता था वैसे ही है। आप ऐसे ले जाओ, फिर वहां वैसे क्लिक करो, फिर आपको जहां रखना है वहां रखो। बट मेरे हिसाब से जो है जहां है अभी परफेक्ट है, मैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। बट इनके अनऑर्थोडॉक्स शॉट का मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसके पास कैच जा रहा है, अरे इम्पॉसिबल है भाई। इतना दुखी होगा यार ये हमारा बॉलर। इजी चांस, इजी चांस। अब ठीक अगली गेंद वही है, ये तो शैडो के चक्कर में फंसा। शैडो दिख रहा है एक दो नंबर पे, मैं उसको फिर से उसी को पढ़ा, मैंने फिर से पढ़ा। ये अहमद भैया मार गए दो बड़े चौके तीसरे में। ये तो हाथ में, ये तो हाथ में। अराउंड करो भाई 78 से पहले, तभी हम जीत पाएंगे भाई। और मैंने जितना सोचा था ना उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है मैच, क्योंकि ये जब हिट मारते हैं तो तगड़े हिट जाते हैं इनके, फिर आप उनको कंपेयर नहीं करा सकते। अब तो भैया गैप में भी एक दो मारेंगे, शुरू में मौके दिए इन्होंने मेरे को कि मैं इनको आउट कर लूँ, बट मैंने ही मिस फील्डिंग कर दी। अब इस वक्त ये ओवर सर्वाइव करके बचाने की इच्छा है। डाई डाई डाई, कौन मारेगा कौन मारेगा, फिर यार हवा में थी गेंद, डायरेक्ट पता नहीं वो मेल टकरा के रुक जाती, बट चक्का पड़ गया। पिछली ओवर में 18, इस ओवर में 34, मतलब कि 16 तो कर ही लिए हैं। पिछली ओवर से बेहतर ही जाएगी, विकेट मिले अभी कराया। मैंने अभी नया ओवर चुन लिया है, ये ओवर 16 का है, अभी 17 का करंट रन रेट है। रिक्वायर्ड की बात करते हो तो कम ही है, इससे कम ही है। अगर आप इतने रन कर देते हो ओवर में तो यू आर विनिंग द मैच। अभी स्क्वायर का क्या किया जाए, फाइन भी तो गैप है। फील्डिंग तो चेंज कर दी, क्या इनकी बाउंड्रीज को रोक सकते हो, जवाब है नहीं। घूम करके अब फीलिंग आ रहा है कि भाई ये मैच निकालना अब यहां से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कैच का मौका, कैच का मौका, अरे गेंद की पिच समझ नहीं आ रहा भाई, गेंद एक्चुअली में जा पा रहा है, ऊपर से स्क्वायर कट मार रहा है बंदे ने। अरे किसी एंगल में नहीं लगा था कि मेरे लेफ्ट साइड में आएगी गेंद। अभी अगली गेंद, चांस बना दे, चांस बना दे, पिच दिखा रहा है क्या, मुझे फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे हैं, मतलब इससे बेहतर हो सकता है। पिच कहाँ दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। गुप्ता आ रहे हैं गेंदबाजी करने भाई, ये ओवर मोस्टली डू एंड डाई वाला समझ लो, पांचवा ओवर तक गेंद तभी जाएगा अच्छे से अगर ये ओवर अच्छा जाता है तो। अराउंड 25 रन और चाहिए यहाँ से, ऑल आइज ऑन दिस ओवर। ये ओवर अगर 17-18 का चला गया तो फिर लास्ट ओवर में 7 को तो कोई नहीं रोक सकता। इधर उधर गिर 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 गिर, अच्छा अपने आप रुक गई, जान में जान आई, एटलीस्ट बीट हुआ, बीट होते हुए देख के अच्छा लगा कि कम से कम ऐसा भी होता है कि ऑर्डर बनती है मेडल पे। ठीक है लेट्स गो, come on man you can do it। gupta ji hero banne ka mauka,
आपको विलन साबित होते हुए 4 रन। ठीक है अभी पिक्चर बाकी है, साइड बदल रहा हूँ मैं, क्रॉस एंगल करना चाहता हूँ बट आई थिंक प्लेयर लॉक हो चुका है, मैंने डबल ट्रिपल दबा दी गेम में। मैक्सिमम के लिए गेम चेंजिंग शॉट स्ट्रेट 6 रनों के लिए। टॉप भी आप देख लो भाई कैसा है, एकदम कार्टून टाइप बनाया हुआ है, आर्किड टाइप कह सकते हो आप, बल्कि मुझे स्टेडियम थोड़ा ठीक लगा। ठीक है अब इस ट्राई, अब मैं साइड बदलूंगा, लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाया था, गलती मेरी ही थी। अभी सब कुछ है भाई, 66 हो चुका है यहाँ पर, अगर 70 के पार चले गए तब तो रन ही 8 बचेंगे इस चेज के लिए। गलती का इंतजार कर रहे हैं बट कोई चांस नहीं यहाँ पर, अभी मौका है, देरी कर दो, क्यों दिखा रहे हो भाई। 70 बचे हैं सिर्फ कहने के रन, 9 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा गुप्ता जी, डॉट दिला दो यार, भाई साहब मुंह कर दे प्लेयर, मुंह कर ले प्लेयर, मुंह कर ले, मुंह कर ले, उसकी भी एक लिमिट है गेम में, टेबल टॉप में आप उठा के नहीं रख सकते अपने पासों को। मैंने पहले भी कहा था अगर ये ओवर अच्छा जाता है उसी पे सब कुछ डिपेंड होगा। 5 रन जीत के लिए बांग्लादेश यार जीत जाएगी मैच। चलो बात मिली सीधी है, दोनों सेम ही है, अनलेस और अंटिल 5 विकेट का कोई रूल होता तो इस गेम में बड़ी बात है। अब भाई सबसे बड़ी दिक्कत है आखिरी ओवर में हमें 5 रन डिफेंड करने हैं इस गेम में, न्यू गेम है, कंट्रोल बिल्कुल अनजान है। अच्छा इस बॉलिंग का तो मैं नॉर्मल एक ही तरीके से फेंक रहा हूँ, कैच कर ले, रोक ले रोक ले रोक ले, रोकना यार प्लीज रोकना रोकना, गेम अगर ये 4 चला जाए तब तो ओवर ही था। बढ़िया विकेट, मुझे आइडिया नहीं है इसमें विकेट्स के रूल्स किस तरह के हैं, मजा आ जाएगा अगर 5 विकेट तो गिर गया। अब क्या ए पीछे 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 निकलना भी चाहिए और रोक लिया 2 डॉट 4 गेंदों में 5 रन। मैं अभी पीछे ऐसे ही रख रहा हूँ, मैं अभी पीछे ऐसे ही रख रहा हूँ। अमन दत्ता जी कम ऑन मैन, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट ब्रो। रोमांचक मैच बना इमरान रहमान आ गया, लेकिन वही है कि एक शॉट में गेम पूरा हो जाएगा। मैं पिच थोड़ा 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 आगे रख रहा हूँ, 5 रन चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए, एक शॉट का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे मैच बराबरी पे आ गया 2-1। तो मैं यॉर्कर लेंथ, बारी है यॉर्कर लेंथ की, क्या दत्ता यहाँ पे पूरे स्टेडियम को और मैच को जीत लिया है बांग्लादेश ने। इस तरह से कुछ एनिमेशंस, मतलब यूआई आ रहा है स्कोर कार्ड का, 16 रन दिए गुप्ता जी ने, 20 दे दिए रन, वहां पे था थोड़ा सा गेम पलट गया। ये बैटिंग बॉलिंग का हाल देख सकते हो, एडवांस करने पे भाई कुछ भी एनिमेशन नहीं आते ना, मैंने तो मैच सीरीज ब्रिज कुछ भी नहीं है, सीरीज तो कहां से आएगा, बट एनिमेशन नहीं है। एक हॉल ऑफ फेम का ऑप्शन है जो कि आपको बताता है आपने क्या खेला कितना खेला, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बाकी भाई ये गेम बस इतना ही है जो मैंने आपको दिखाया, गेम प्ले आपने देख लिया, बस वही गेम प्ले है। हो सकता है थोड़ा सा बॉलिंग में सीम और स्विंग का कुछ हो कंट्रोल, वो मैं एग्जैक्टली समझा नहीं पाया, बट दिस इज द गेम प्ले। बहुत ही छोटा गेम, बहुत ही कम साइज का गेम और इंडियन प्राइस इसकी जो है वो है 367 रुपए। तो अगर आपको लगता है तो आप स्टीम पर से जाके बाय कर सकते हो। ये 3 गेम मोड है, मुझे ऑनलाइन तो मैं खेलता भी नहीं हूँ, ऑनलाइन का मैं नहीं कर सकता, वर्ल्ड टूर में आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके खेल सकते हो और यहीं से आपके नए स्टेडियम्स अनलॉक होंगे और भी जो चीजें हैं इस गेम में वो अनलॉक होंगी। तो ये था गेम भाई, टेबल टॉप क्रिकेट कैसा लगा, और यार नई गेम का आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराने के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर देना। मिलेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय टाटा, गुड टेक।